नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस्वी पब्लिक स्कूल सिंघिया मकंदपुर के ऑनलाइन क्लास में। सत्र 2021 की शुरुआत हो चुकी है, किंतु कोरोना वायरस के कारण विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई स्थगित है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लास आरंभ की गई है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कक्षा 7। आप देख रहे हैं मनस्वी जो है मेरा कक्षा 7 का सेशन 2021 के हिंदी विषयों की पाठ्य पुस्तिका है। तो इसके लिए हम अब पढ़ाई शुरू करें, फिर हम इसके सिलेबस को देखें। सबसे पहले है मेरा ये विषय सूची। विषय सूची में देख रहे हैं मेरा ये देश गीत है। तो देश गीत में आप देखेंगे कि मेरा ये क्या है। सबसे पहले हम इस देश गीत जो कविता है इसके हम सार को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस कविता जो है, ये कविता रचनाकार है श्रीधर पाठक। कवि कविता में देश गीत के माध्यम से देश की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किए हैं। देश में रची बसी प्राकृतिक छटा का जो है काफ़ी सुंदर ढंग से इस कविता में वर्णन किया गया है। कवि ने देश को सुदेश यानी देशों का राजा बताया है। तो ये रहा मेरा कविता का मुख्य सार। हम थोड़ा इसके शब्दार्थ को देख लें। जो इसमें मुझे कठिन शब्द लग रहे हैं मैंने उसे नोट किया है। आप देख रहे हैं मैंने इसके कठिन शब्दों को यहाँ पे नोट किया है, और इसे आप भी नोट कर लें और इन कठिन शब्दों को याद कर लें, ताकि कविता के विस्तृत अर्थ को जानने में समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अर्थों को, फिर हम कविता के विस्तृत अर्थ की ओर जाएंगे। तो पहले हम इसके कुछ मुख्य शब्दों के अर्थों को जानें। जग संसार, न्यारा अलग विचित्र, जगत मुकुट संसार का ताज, जगदीश तुलारा ईश्वर का प्यारा, देशेश देशों का राजा, अजय जिसे कोई ना जीत सके, सदैव दयालु दयावान, अघ पाप लेश जरा सा अंश थोड़ा सा, स्वर्गिक स्वर्गीय, शीश फूल सिर पर धारण करने का आभूषण, लोक त्रयी तीनों लोक, त्रयी तीनों लोक, सलिल सुंदर, टीका तिलक, निशी रात, राकेश चंद्रमा, श्रृंगा चोटी, कलरव निरत मधुर ध्वनि करती हुई, निरत लगातार, कलरव पक्षों की आवाज को कहते हैं, कल्लोलिनी नदी, भानु प्रताप सूर्य के समान तेज, सूर्य की तेज, कोटि करोड़, अमीरस अमृत, वितान तंबू स्वीकृत अच्छे कार्य। तो ये कठिन शब्द जो मुझे कविता में लगा उसे मैं नोट करके यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसे जो है आप याद कर लेंगे, ताकि कविता के विस्तृत अर्थ को समझने में, कविता को जानने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।